ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल के मुद्दे पर ही कांग्रेस में अंतर्कलह मची है। नेताओं का अलग ट्रैक खुलकर दिखने लगा है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद को सलाम किया, तो हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने भी पीएम की जमकर तारीफ की, जो कांग्रेस को चुभ गई। दुर्भाग्य से हमारी शिकस्त होती गई, हम कमजोर हो गए और उसका नुकसान देश को हुआ, उसका फायदा सत्ताधारी दल को, ठीक वो भी इसी देश की पार्टी। और एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जैसा प्रजातंत्र में मैंने कहा अलग अलग विचारधाराएं होती है, और देश में भी सोच संगठन के अंदर भी वो रहती है। और अगर कोई अपना मत ना व्यक्त करे कि इसका मतलब कोई क्या निकाल ले, फिर वो ना घर मजबूत रहता, ना समाज, ना संगठन। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का हूं तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर है हमारे, प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ है, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वहीं आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। देखिए आनंद शर्मा जी, आपने जो ट्वीट किया और जो प्रश्न खड़े किए वो तो सारी देश की जनता के सामने प्रश्न है, क्योंकि जो कांग्रेस केरल में जाती है तो सीपीएम के खिलाफ बयानबाजी करती है, सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ती, वही नेता जो केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है, तो क्या आइडियोलॉजी है? राजनीतिक पार्टी का ये भी कर्तव्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, संगठनों को, संस्थानों को अपनी विचारधारा में तब्दील करें। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करती है कि अच्छी से अच्छी अच्छी वाली संस्थाएं जो हैं वो सांप्रदायिक हो जाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम ऐसी संस्थाएं जो भूली भटकी हैं या दूसरी गलत विचारधारा में हैं वो अपना मत बदलें। तो क्या परिस्थिति है ये बंगाल कांग्रेस को देखना चाहिए। आनंद शर्मा जी की भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल चुनाव के लिए हम किसी से गठजोड़ या गठबंधन नहीं करें। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे से चर्चा में। चंद्र घोष चौधरी जी, ये स्टेटमेंट हमने आपका अभी आपको सुनवाया जिसमें आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद जो बातें कह रहे हैं वो कम से कम इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या भीतर की आवाजें सही मंच पर एड्रेस नहीं की जा रही है। अधीर रंजन चौधरी से जब सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं मुझे नहीं पता, आला कमान का यह फैसला है। जो प्रदेश अध्यक्ष है क्या उनसे कंसल्ट करके क्या ये समझौता नहीं हुआ है? सीडब्ल्यूसी का जिक्र हो रहा है, आनंद शर्मा कह रहे हैं कि वहां पर चर्चा ही नहीं हुई, वहां पर बात होनी चाहिए थी। नहीं, ये बात, ये कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन बात एकदम सही से, ये प्रदेश सभापति, प्रदेश प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी जी, अधीर रंजन चौधरी हम लोगों का क्या होते हैं हाईकमान से, मतलब सीडब्ल्यूसी से हम लोगों का डायरेक्शन आते हैं, हम लोगों का निर्देश आते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी अभी प्रदेश प्रेसिडेंट एंड टेकन द सिग्नल, ये सिग्नल वहीं से आए, ये एकदम सही बात है। और दूसरा बात ये है, इसमें जो पार्टी लाइन है एक कॉम्पल्सिव पार्टी लाइन होते हैं जो अलग अलग राज्यों में एप्लीकेशन होता है। जैसे आप देखिए तेजस्वी यादव यस्टरडे केम टू कैलकटा, तो ममता जी के साथ उनका मीटिंग, तो बात ये है ये इसमें क्या महागठबंधन बिहार में टूटे? नहीं, बात ये होता है एक कंपल्सिव सिचुएशन होता है, तृणमूल एक स्टेट पार्टी है, आरजेडी एक स्टेट पार्टी है, तो इन लोगों का कंपल्सन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के लिए पूरा देश में एक तो कंपल्सिव सिचुएशन होता है, और इसी में बंगाल लाइन सीपीएम का अगर स्टडी कीजिएगा तो देखिएगा सीपीएम का एक बंगाल लाइन होते हैं, जो बंगाल लाइन पूरा देश का लाइन से थोड़ा अलग होते हैं, एंड दैट इज परमिटेड बाय द पॉलिटिकल। तो इसमें क्या है, उन लोगों का साथ हम लोगों का जो बंधन हुआ ही, जो गठबंधन हुआ है बंगाल में, इसमें पूरा इशारा था हम लोगों का सुप्रीम अथॉरिटी। लेकिन चौधरी साहब, क्या आप ये समझ रहे हैं आपके सामने प्रतिद्वंदी किस तरह के हैं? एक तरफ ममता बनर्जी हैं, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी ने जिस तरह की अपनी सेंट्रल फोर्स को जमीन पर उतारा है, चाहे जेपी नड्डा जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आपके बड़े नेता कहाँ हैं?
कांग्रेस के भावी अध्यक्ष तो दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं। जरा विजुअल दिखाइए सौरभ, ये जो तस्वीरें कल देश भर में दिखाई दी, बंगाल में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है लेकिन वो दक्षिण भारत में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पुशअप्स हो रहे हैं, जहां पर वो मछुआरों के बीच पहुंच रहे हैं। सवाल तो ये उठता है कि चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, बंगाल जहां पर एक बड़ी लड़ाई है वहां पर उनकी मौजूदगी दिखाई तक नहीं दी, जबकि आपके ओपोनेंट्स इतनी मजबूती से दिखाई देते हैं, तो क्या पहले ही मान लिया है कि यहां पर जीत की संभावना नहीं है? कोई बात नहीं है, मेरा 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 आप 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 आपको क्वेश्चन किया, मेरा आंसर मेरा आंसर ये है, अभी पहला मतलब जो चुनाव है ये चुनाव है केरला में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में, जहां पे हम लोगों का सेंट्रल लीडरशिप इंक्लूडिंग राहुल गांधी। आपको लगता है कि सिर्फ दक्षिण भारत से ही संजीवनी मिलेगी? आई टेल यू नहीं 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 नहीं, ऐसा लगता है कि बंगाल में तो स्कोप नहीं है, दक्षिण भारत से ही संजीवनी मिलेगी हम लोगों का? नहीं, क्या सुनिए, बंगाल में 8 पेजेस इलेक्शन है, वहीं पे 1 पेज इलेक्शन है। 8 पेजेस इलेक्शन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हर बड़ा नेता ये कांग्रेस का, ये बंगाल में आएंगे। लेकिन पहला कॉम्पल्शन क्या है, पहले जैसे इलेक्शन केरला, पुडुचेरी या तमिलनाडु में हो रहा है तो वहीं पे गए प्रियंका गांधी जी सामने गए, क्योंकि ये पहला इलेक्शन, ये पहला चुनाव वहां पे मिट जाने का बाद, तो बंगाल का चुनाव तो 8 पेज का है, तो इनके इनका पास तो अपना बस मिलेगा। तो ठीक है, मतलब जब चुनाव की तारीख के नजदीक आएंगे तब वहां दौरे होंगे, जबकि आपके जो जिनसे आपको लड़ना है जमीन पर युद्ध, उन्होंने जिस तरह की फोर्स जोगी है, योगी आदित्यनाथ तो आज पहुंच रहे हैं मालदा, पूरा तो पहुंच रहा है, क्योंकि उनका सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, लोकल लीडरशिप नहीं है। आप एक बात देखिए, आप एक बात सुनिए, मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, योगी जी क्यों इतना दरकार पड़ते हैं ये बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कोई फेस नहीं है, बंगाल का अपना लीडर नहीं है।